हेलो एवरीवन वेलकम टू टेक्नो रोहेस और ये वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा अगर आपकी बजट जो है वो 5000 और 10000 थाउजेंड के बीच में है और आपको एक एंड्रॉइड का फ़ोन ख़रीदना है और उसके अंदर आपको फोर भी चाहिए तो ये वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कौन से फ़ोन बेस्ट है 5000 और 10000 थाउजेंड के बीच के अंदर मैंने कुछ सिलेक्टेड फ़ोन अपने हिसाब से सेलेक्ट किया हो जहाँ पर आपको सिर्फ फोर ही नहीं बल्कि आपको रैम स्टोरेज डिस्प्ले कैमरा वगैरह भी जो अच्छा खासा ठीक ठाक जो वो मिल जाता है तो ये वीडियो आप देखते रहिएगा इसके अंदर मैं आपको सारी डिटेल जो वो दे दूँगा सो लेट्स स्टार्ट तो सबसे पहला जो फोन है वो है जोलो एरा वन एक्स फोर जी ये फ़ोन जो है वो फाइव थाउजेंड रुपीज़ के अंदर आपको फोर जी दे रहा है और साथ में आपको वोल्टी सपोर्ट भी दे रहा है तो काफ़ी अच्छी बात है अगर आपकी बजट फाइव थाउजेंड रुपीज़ की और आपको एक फ़ोन ख़रीदना है फिर आप सोचते हैं मुझे फोर जी वोल्टी भी चाहिए फ्यूचर में काम आ जाता है तो ये अच्छा है इसके अंदर आपको एक जी बी की रैम एट जी बी की स्टोरेज भी मिल जाती है माइक्रो एच डी गार का स्लॉट मिल जाता है फाइव इंच की आपको एच डी की डिस्प्ले मिलती है एट मेगा पिक्सल का रियर कैमरा है फाइव मेगा पिक्सल का आपको फ्रंट फेसिंग कैमरा मिल जाता है टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड एम एच की आपको बैटरी भी मिल जाती है तो काफ़ी सफिशेंट फ़ोन है एक अगर मैं कहूँ फाइव थाउजेंड रुपीज़ के बजट के हिसाब से तो आपको यहाँ पे सब कुछ मिल जाता है जहाँ पे आपको परफॉर्मेंस भी अच्छी मिलेगी स्टोरेज वगैरह भी अच्छा मिल जाता है कैमरा भी ठीक ठाक आपको मिल जाता है और फोर जी वोल्टेज सपोर्ट के साथ में भी जो वो आ जाता है दूसरी कैटेगरी की बात करें तो अगर आपकी बजट सेवन थाउजेंड रुपीज़ के आसपास है तो यहाँ पे मैंने कुछ तीन चार फ़ोन अपने हिसाब से सेलेक्ट किए हैं जो 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 सेवन थाउजेंड रुपीज़ के रेंज में और ये सारे फ़ोन काफ़ी अच्छे हैं अगर मैं कहूंगा अपने प्राइसिंग के हिसाब से सारे फोन में आपको फोर जी सपोर्ट मिल जाता है सबसे पहला यहाँ पे बात करें तो कल पैड का मेगा टू पॉइंट फाइव डी यो फ़ोन है ये काफ़ी अच्छा फ़ोन है सेवन थाउजेंड रुपीजी में आपको एट मेगा पिक्सल का रियर है और मे एट मेगा पिक्सल का फ्रंट फेसिंग कैमरा है फाइव पॉइंट फाइव इंच की आपको अच्छी खासी एच डी की डिस्प्ले मिलती है एंड्रॉड सिक्स के साथ में आता है थ्री जी बी रैम सिक्सटीन जी बी स्टोरेज है माइक्रो जी कार्ड का स्लॉट मिलता है डुअल फोर जी है ट्वेंटी फाइव हंड्रेड एम एच के आपको बैटरी भी जो वो मिल जाती है तो ये भी अच्छा है टू पॉइंट फाइव डी गफ्ट ग्लास के साथ का यह जो डिस्प्ले ये काफ़ी अच्छा लगता है और इसकी जो डिजाइन भी काफ़ी अच्छी है गोल्ड कलर में भी आता है व्हाइट और ब्लैक में भी आता है उसके बाद अगर देखिए तो स्वाइप का एल प्लस ये भी सैवन थाउजेंडेंड रुपीज़ के अंदर फ़ोन है और साथ में अच्छी बात ये है कि ये फ़ोन आपको फुल एच डी की डिस्प्ले देता है जो सेवन थाउजेंड रुपीज़ में बाकी के फ़ोन नहीं देते स्पेसिफ़िकेशन आप देखेंगे टू जी बैम सिक्सटीन जी बी आपको स्टोरेज मिलता है फाइव इंच की फुल एच डी की आपको यहाँ पे डिस्प्ले मिल जाती है यहाँ पे आपको थर्टीन मेगा पिक्सल का रियर कैमरा है एट मेगा पिक्सल का आपको फ्रंट फेसिंग कैमरा भी जो वो मिल जाता है और थ्री थाउजेंड फिफ्टी एम एच की बैटरी मिलती है और कोलकम स्नैपड्रैगन का यहाँ पे आपको सिक्स वन फाइव का प्रोसेसर भी मिल जाता है ये एक काफ़ी कंप्लीट फ़ोन है अगर मैं कहूंगा इस प्राइस रेंज के अंदर क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आ, इतनी प्राइस के अंदर आपको इतने सारे अच्छे स्पेसिफिकेशन वाला को फ़ोन दे रहा है जो कि स्वाइप इलिट प्लस है उसके बाद आता है Redmi 3S. Redmi 3S का ये फोन सेवन थाउजेंड रुपीज़ के अंदर आपको जो ये सिक्सटी जी वाला वर्जन और टू जी बैम वाला आता है प्रॉब्लम ये है कि ये सारे फोन जो वो सोल्ड आउट हो जाते हैं इसीलिए मुझे पता नहीं कि Redmi के फोन्स में बताना नहीं चाहता था लेकिन फिर भी इस रेंज में ये फोन आ जाता तो मैंने सोचा बता दूँ यहाँ पे आप देखेंगे आपको फाइव इंच की एच डिस्प्ले डिस्पेले टू जी रैम सिक्सटीन जी स्टोरेज फोर थाउजें वन हंड्रेड की आपको बैटरी मिलती है थर्टीन का कैमरा है पीछे का फाइव मेगा का फ्रंट फेसिंग कैमरा और स्नपड्रैगन फोर का सिक्सटी फोर बिट का आपको प्रोसेसर मिलता है तो ये भी काफ़ी अच्छा फोन है अगर सेवन थाउजेंड की बजट है तो फ्लिपकार्ट के ऊपर आपको मिल जाता है रेटिंग्स भी काफ़ी अच्छी आई है ये, और इसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा और अगर मिल गया तो काफी अच्छी बात है और लास्ट बट नॉट द लीस्ट कुल पैट नोट थ्री लाइट यहाँ पे आप देखेंगे सिक्सटी जीबी वाला ये फोन मैं भी यूज करता हूँ पुराना फोन है जनवरी में लॉन्च हुआ था लेकिन ये फोन अब भी ऐसा ही चलता है जैसे मुझे लगता है कि एक नया फोन है इसमें आपको थ्री जी की रैम मिलती है आपको फाइव मेगा का फ्रंट कैमरा है यहाँ पे टू दिखा रहा है जो कि मिस्टेक है और उसके बाद आपको कोड कोर का एम का प्रोसेसर मिलता है मीडिया का 5 इंच की आपको एच की डिस्प्ले मिल जाती है सिक्सटीन जी की आपको स्टोरेज मिलती है थर्टीन मेगा का आपको रियर कैमरा मिलता है और टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड एम के आपको बैटरी मिलती है तो ये फोन भी काफ़ी अच्छा है मैं भी यूज़ करता हूँ मुझे अभी तक कोई भी इशू नहीं आया इस फोन में ना हैंग ना लैग वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं आया तो सेवन थाउजेंडें रुपीज़ की बजट के आपको मैंने बता दिया कि कौन से आपके लिए बेस्ट है उसके बाद अगर नाइन थाउजेंड रुपीज़ की आपकी बजट है तो रेडमी थ्री एस प्राइम रेडमी थ्री एस मैंने आपको पहले बताया था ये उसका हायर वर्जन है जहाँ पे आपको थर्टी टू जी की स्टोरेज और थ्री जी की रैम मिलती है बस ये दो चेंजेस आपको जहाँ पे मिल जाते हैं और रिमेनिंग स्पेसिफिकेशन अगर आप देखेंगे तो फाइव इंच की डिस्प्ले थर्टीन कैमरा फ्रंट का फाइव कैमरा फोर थाउजेंड वन हंड एम एच की बैटरी और स्नैपड्रैगन फोर थर्टी ये सब कुछ जो आपको सेम मिलता है लेकिन ये फोन भी आप देखेंगे तो ये जो वो टोटली सोल्ड आउट है आपको नहीं मिलता है आपको वेट करना पड़ेगा फ्लिपकार्ट के ऊपर जब आएगा तो ही आप उसको वीक में जो वो खरीद सकते हैं उसके बाद अगर आप देखेंगे तो ल इको लन एस अगर आपकी बजट जो टेन थाउजेंड रुपीज की है तो ल का ये फोन काफी अच्छा है थर्टी टू जीबी का आपको स्टोरेज मिलता है थ्री जीबी रैम है फाइव पॉइंट फाइव इंच की आपको फुल एच डी की डिस्प्ले मिलती है थर्टीन मेगा पिक्सल का रियर कैमरा है फाइव मेगा पिक्सल का फ्रंट फेसिंग कैमरा है थ्री थाउजेंड एम की बैटरी है और यहाँ पे इंटरेस्टिंग ये है कि मीडिया टेक का आपको हीलियो का एक्स टेन का प्रोसेसर मिलता है जो कि काफ़ी पावरफुल प्रोसेसर है मीडिया टेक का तो ये फोन भी काफ़ी अच्छा फोन है अगर आपकी बजट टेन थाउजेंड रुपीज़ में है तो मुझे लगता है ये काफी अच्छा फोन है अगर आप खरीदने की सोच रहे तो थ्री पॉइंट एट की आप देखेंगे रेटिंग्स भी इसको काफ़ी अच्छी आई है इसके अंदर ये यशुस का जेनफोन मैक्स ब्लैक कलर का ये फोन थर्टी टू जी की स्टोरेज के साथ में आता है ये भी आपको टेन थाउजेंड रुपीज़ के अंदर मिल जाता है देखेंगे टू जीबी की रैम है थर्टी जीबी की स्टोरेज है आप माइक्रो डी कार्ड लगा के एक्सपांड भी जो वो कर सकते हैं फाइव पॉइंट फाइव इंच की आपको एच डिस्प्ले मिलती है थर्टी नो फाइव का कैमरा है और फाइव थाउजेंड एम एच की बैटरी मिलती है ये काफ़ी अच्छी बात है अगर आप लॉन्ग टर्म यूज़ के लिए फोन ले रहे हैं यानी कि अगर आपको ज़्यादा बैटरी यूज़ करना है तो ये काफ़ी अच्छा है और स्नैपड्रैगन का सिक्स का प्रोसेसर भी साथ में जो वो आ जाता है तो काफ़ी अच्छी बात है ये फ़ोन भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा इसलिए मैंने सोचा कि इसको भी एक दो दिखा दूँ और फाइनली शाओमी का रेडमी नोट थ्री ऑब्विसली शाओमी का फोन तो आना बहुत जरूरी है क्योंकि टेन थाउजेंड रुपी में वन ऑफ द बेस्ट फोन है आज के अंदर अगर देखा जाए तो शाओमी का सिक्सटीन जीबी और टू जीबी वाला वेरिएंट है यहाँ पे आपको क्या कुछ मिल जाता है वन पॉइंट एट का आपको हैगजा और स्नैपड्रेगन का प्रोसेसर है सिक्स वाला फोर फोन है ऑब्वियसली फाइव इंच की आपको फुल एच की डिस्प्ले सिक्सटीन और फाइव uh, का आपको कैमरा मिलता है फाइव पॉइंट है टू जी बी रैम सिक्सटी जी बी स्ोरेज और फोर थाउजेंडम एच के आपको बैटरी जो वो मिल जाती है तो ये फोन भी वन ऑफ द बेस्ट फोन इस प्राइस रेंज में लेकिन प्रॉब्लम यही है कि ये फोन भी जो वो सोल्ड आउट है आपको नहीं मिलता है आपको वेट करना पड़ता है तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा इसी तरीके से आप लोगों के लिए मैं यूज़फुल वीडियोस लाता रहूँगा और मैं सोच रहा हूँ कि 10,000 से 15,000 थाउजेंड के बजट में कोई बेस्ट फोन है तो मैं उसके लिए भी आपको एक वीडियो बनाकर जो वो दे दूंगा अगर आपको पसंद आया तो आप ज़रूर से लाइक करिए सब्सक्राइब करिए और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए वीडियो के साथ टिल देन हैव अ ग्रेट डे एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग गैलेक्सी नोट सेवन जो वो बर्न हो गया धुआं निकला उससे वो लड़की जो है वो फेंट हो गई यानी कि बेहोश हो गया आप जैसे कि यहां पे देख सकते हैं बेड के ऊपर जो वो गिरे